बार स्पेशल। डॉर्मेट्री मेस में किस तरह से खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट के बारे में यहाँ हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो मेस में हम जाने वाले हैं, अभी देखो यहाँ पर बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, अच्छी तरह से नियम का पालन यहाँ पर बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। देखो बच्चे बहुत ही खुश नजर आते हैं मेस में आने के बाद। कोयला जी के साथ कुमार साहब से मिली है और किस तरह से आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि उनके चॉइस का ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। धन्यवाद। तो मेस में आने के बाद आज मंगलवार को ब्रेकफास्ट में बच्चों को क्या मिलता है ये हम जानने वाले हैं, तो बताओ भैया। दूध है, पेड़ है, फलाव है, दूध है। तो देखो यहाँ पर किस बच्चे किस तरह से लाइन में खड़े हैं यहाँ देखा जाता है। यहाँ पर पुलाव, बनाना और आगे जाते हैं क्या क्या है, मिल्क। तो बेस में आने के बाद इस तरह से पहले रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन से बच्चे आते हैं कौन से नहीं है उसका सिग्नेचर लिया जाता है। इस तरह से मंगलवार की आज की ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है पूरी तरह से दिखाई देती है और बच्चे को आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। दिनेश है ये, सोनू ने, रोहित सोनू ने लेट आया है आज और वो हमारा दक्ष वहाँ उस साइड में बैठा हुआ है। इस तरह से ब्रेकफास्ट मंगलवार का बहुत ही रुचि से बच्चे खाते हैं। हमारे तल्लीकर सर है, हमारा वो वीरेंद्र पाल है, पूरा स्टाफ यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं छात्रों के साथ। देखिए ये हमारे महेश सर है और बहुत ही आज उनके चॉइस का ब्रेकफास्ट है इसलिए आज बहुत ही खुश नजर आते हैं। और फिजिक्स सर लगभग सब स्टाफ का आज ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा पसंद था, बिल्कुल सबसे पहले दिखाई दे। और हमारे वो पाटिल सर है कंप्यूटर के सर, बहुत ही इस तरह से ब्रेकफास्ट में कौन से स्टूडेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं इसमें जो हाउस मास्टर है असोसिएट हाउस मास्टर है दोनों भी चेक करते हैं और जो नहीं आया है उनको बुलाया जाता है और बच्चों का ख्याल रखा जाता है। तो मिलते हैं दोपहर लंच को, आज देखते हैं क्या खाने को मिलता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।